उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं यही नौजवानों को रोजगार यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही नमस्कार। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में सियासतदानों से लेकर आम जनता सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को 2019 के आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब यह तो बस कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा कि यूपी में किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा और किसे जनता नकारेगी। ये स्थिति अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। आखिरकार स्थिति किस तरीके की बनेगी और इस वक्त किस तरीके की जद्दोजहद राजनेताओं के बीच चल रही है, यह आपको हम बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं यही नौजवानों को रोजगार यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही यूपी विधानसभा चुनाव ने नतीजे प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा का सवाल होंगे। उत्तर प्रदेश के नतीजे प्रधानमंत्री मोदी के सियासी भविष्य की राह को भी तय करेंगे। अगर यूपी में बीजेपी की जीत होती है तो बिहार और दिल्ली की राह पर बड़ा पैचवर्क होगा, लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है तो इसका सीधा असर प्रधानमंत्री की छवि पर पड़ेगा। विपक्ष सीधे मोदी सरकार की नीतियों पर निशाना साधेगी। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। क्या यूपी में चला मोदी मैजिक? यूपी में प्रधानमंत्री की अग्नि परीक्षा, नतीजे तय करेंगे पीएम मोदी का भाग्य। चंद घंटों बाद तय हो जाएगा पीएम का भाग्य। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी की सबसे बड़ी परीक्षा। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है। यूपी चुनाव के नतीजे 2019 के आम चुनाव की राह तय करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को आम चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यूपी चुनाव को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक टर्निंग प्वाइंट के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ जिस भी पार्टी की जीत होगी उसका जनाधार बढ़ेगा। बात पीएम मोदी की करें तो यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे पीएम मोदी का सियासी भविष्य को तय करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत और हार बीजेपी की नीति और रणनीति दोनों के लिहाज से काफी अहम है। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि बीजेपी की लोकसभा चुनाव 2019 की राजनीति को लेकर दिशा और दशा क्या होगी। अगर यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होती है तो एक बार फिर साबित हो जाएगा कि देश में अभी भी मोदी मैजिक बरकरार है। गरीबों के मसीहा, इस देश के किसानों के मसीहा, नौजवानों के मसीहा, अपने बीच में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पहुंच चुके हैं। यूपी में जीतने की सूरत में बीजेपी की रणनीति को एक नई धार मिलेगी, जिसके बाद पार्टी नए जोशो खरोश के साथ एक बार फिर से अगले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में लग जाएगी। बीजेपी के लिए यूपी की जीत का मतलब काफी बड़ा होगा। यूपी में बीजेपी ने इस बार चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर ही लड़ा है। इस जीत को बीजेपी मोदी सरकार के बेहतर कामकाज पर जनादेश के तौर पर प्रचारित करेगी। यूपी में मिली जीत से साबित हो जाएगा कि मोदी के भीतर अभी भी वो करिश्मा बरकरार है जिसके दम पर पूरे चुनाव को अपने दम पर जीता जा सकता है। इस बात को बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सब समझते हैं।
तभी तो अमित शाह ने यूपी की पूरी कमान अपने हाथों में ले रखी थी और खास रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार के लिए यूपी में अपना डेरा डाल दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में लगातार 3 दिनों तक चुनावी कैंपेन कर यूपी चुनाव को मोदी बनाम बाकी दल कर दिया था। ऐसा कर मोदी ने बहुत बड़ा दाव खेला है। बीजेपी ने इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और असम चुनाव की जीत को मोदी के बेहतर कामकाज का नतीजा बताते हुए जीत का सेहरा मोदी के सिर बांधा था। इस साल के आखिर में ही गुजरात विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी को यूपी में मिली जीत के बाद गुजरात की राह आसान हो सकती है। लेकिन बीजेपी की यूपी में हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर सवाल खड़ा कर सकता है। विरोधी इसे मोदी सरकार के कामकाज पर जनता के रेफरेंडम के तौर पर प्रचारित करेंगे। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले पर भी खड़ा होगा। यूपी की हार मोदी और अमित शाह दोनों की रणनीति पर भी सवालिया निशान लगा सकती है। बीजेपी की हार केंद्र सरकार के लिए भी नई मुश्किलें खड़ी करेंगी, जिसका नतीजा ये होगा कि केंद्र सरकार बड़े फैसले लेने में हिचकेगी। तो बस इंतजार कीजिए कुछ घंटों का, जब साफ होगा कि यूपी में पीएम मोदी का जादू चला या फिर जनता ने प्रधानमंत्री के वादों को जुमला करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वह यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी का यूपी में 14 साल का वनवास खत्म होने जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ताओं से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी ने। पोल के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है। हमारे 7 प्रवक्ताओं का समूह है, उनसे बात करते हैं और बीजेपी के जो 3 प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए उनसे जानते हैं कि आखिर एग्जिट पोल में जो नंबर्स आ रहे हैं, अगर कुछ कम बेसी होता है तब क्या होगा। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आप मुझे बताइए कि एग्जिट पोल जो अलग अलग लोग दिखा रहे हैं उसको आप किस तरीके से देखिए। एग्जिट पोल तो अलग अलग लोगों के अलग अलग आकलन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से 300 के पार का लक्ष्य रखा है और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन संदेश को बहुत उत्साह से स्वीकार किया है और कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए उत्तर प्रदेश से और अपराध और भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और विकास के मुद्दे पर मुहर लगाने का काम किया है। आप देखेंगे कि सारे आकलन को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जाके खड़ी होगी। चलो जी, पहले आप ऐसे ही सवाल पूछा करते थे कि आप बताइए भाई क्या करेंगे, अब आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम आने जा रहे हैं और ऐसी हमारी उम्मीद भी है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की है, हमारे लीडर्स ने जिस तरीके से अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाया है, उसका परिणाम आपको एग्जिट पोल के तौर पर दिख रहा है। लेकिन 11 को असली जब परिणाम आएगा तो बिल्कुल, हरीश जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम 300 पार हैं और तमाम जो आशंकाएं लोगों की चल रही है, कोई कह रहा है किसी के साथ मिल जाएंगे, कोई कह रहा है किसी के साथ गठबंधन कर लेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसलिए करा देना है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है और ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आई तो हम इनसे मिलेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने यह गुंजाइश उनके लिए छोड़ी नहीं है। सब मिलकर चुनाव लड़े हैं और सब मिल जाएंगे चुनाव के बाद, तो भी स्वागत है। मैं तो कहता हूँ स्वागत है। भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे, आप मुझे बताइए कि अगर कुछ कम बेसी होता तो फिर कैसे वो गुड़ागड़े होंगे? कम बेसी का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पूरी प्लानिंग करी थी, जिस तरीके से संगठित रूप से कार्यकर्ताओं को लेकर के बूथ बूथ तक की प्लानिंग हम लोगों ने करी थी, जिसका नतीजे के स्वरूप में आज पूरी पार्टी का एक विशाल स्वरूप आपको दिख रहा है। सारे चरणों ने जो है 250 किसी ने 285, लेकिन हमारा जो अपना सरकार तो निश्चित बन रही है और अभूतपूर्व बहुमत से बनने वाली है। मेरा कहना है मुख्यमंत्री जिसको आपने बना दिया तो बचा क्या? जिसको पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर देगा वो उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा और उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास की एकदम धारा को साकार करेगा। हरीश जी ने आज सुबह ही मीटिंग करके सभी प्रवक्ताओं को एकदम एक लाइन समझा दी कि भाई सरकार हमारी बन रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इन्होंने
मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस पर शांति बना के रखा हुआ है, और मैं समझता हूं कि कल 10, 10:30, 11 बजे तक एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसका मुख्यमंत्री होगा। रोहित के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी चल रही है, जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। प्रदेश में परिवर्तन की आंधी चल रही है, जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काम का हिसाब जनता कर चुकी है। बस चंद घंटों के बाद ही जनता का फैसला सबके सामने होगा। लोकतंत्र के पर्व में जनता भगवान होती है, जो नेताओं की भाग्य विधाता होती है। यूपी के चुनाव नतीजों का सीधा असर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी पड़ने जा रहा है। चुनाव के नतीजे ही अखिलेश यादव के सियासी भविष्य को तय करेंगे। अखिलेश का कितना बोला काम, क्या यूपी में चला अखिलेश यादव का जादू, कितना पसंद आया अखिलेश राहुल का साथ, क्या यूपी की जंग जीतेंगे मुलायम के टीपू। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ चंद घंटे ही बचे हैं। ऐसे में नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। 5 साल तक यूपी की सत्ता पर राज करने वाले अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनाव के नतीजे कई मायनों में अहम होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश के पक्ष में बने सपा के कैंपेन काम बोलता है की हुई थी। परिणाम बोलता है, काम बोलता है, अजी काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। जो बाद में कांग्रेस के साथ गठबंधन होने पर यूपी को ये साफ पसंद है में बदल गई। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि अखिलेश का काम सोशल मीडिया पर तो जमकर बोला, लेकिन ईवीएम तक नहीं पहुंच पाया। इंडिया न्यूज एमआरसी एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन को 120 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी जो अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में वापसी का सपना देख रहे थे, वही अखिलेश अब सत्ता से काफी दूर हो गए हैं। सपा को 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 29.29% वोट मिले थे और कांग्रेस को 13.26%, जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक इन चुनाव में गठबंधन को महज 28% वोट मिले। मतलब साफ है कि इस बार यूपी की जनता ने सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में कम मतदान किया। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे समाजवादी दंगल जरूर होगा। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में सपा का पिछड़ना इस बात का साफ संकेत देता है कि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा परिवार के झगड़े का बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। सपा और कांग्रेस भले ही गठबंधन के सहारे वोटों की गणित का आंकड़ा पेश कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल में इस गठबंधन को 120 सीटें दी गई हैं। सत्ता में अखिलेश के दूर होने का कारण मुलायम परिवार में घमासान और सपा सरकार के मंत्रियों पर एक के बाद एक विवाद में आते जाना माना जा रहा है। पारिवारिक घमासान से उबरकर अखिलेश ने खुद की छवि पेश तो की, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ा रहा। चुनाव के दौरान मंत्री गायत्री प्रजापति का रेप केस में नाम आना और फिर फरार रहने को लेकर भी अखिलेश सरकार सवालों के घेरे में आई। चुनाव हारते ही अखिलेश यादव सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पद खाली करने के बाद हार के कारणों को समझने के लिए अखिलेश यादव को लंबा वक्त मिल जाएगा। प्रदेश में अगला चुनावी बिगुल 2019 में आम चुनाव के लिए बजेगा। तब तक अखिलेश को समाजवादी पार्टी से चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
मौजूदा समय में पार्टी के राष्ट्रीय ढांचे की कमान उनके हाथ में है, लेकिन चुनाव में हार मिलने के बाद उन्हें इस कुर्सी को बचाने की लंबी कवायद करनी होगी। चाचा शिवपाल और पिता मुलायम उनके पर कतरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी के बागी नेता भी मुसीबत होंगे, जो उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब चंद घंटों बाद यूपी के नतीजे आते हैं तो अखिलेश यादव को कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश चुनाव नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का कहना है कि उनका आज तक एग्जिट पोल कभी फेल नहीं हुआ है और सपा यूपी में 240 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। रामगोपाल से खास बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने। बीजेपी को बढ़त दिखाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। प्रोफेसर साहब, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी दिखाया जा रहा है, वो पूरी तरह से गलत है। मेरा अपना एग्जिट पोल है जो कभी गलत साबित नहीं होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी को दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर नहीं, नंबर एक पर और एब्सोल्यूट मेजोरिटी, विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक आखिरी प्रश्न। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बसपा से भी समर्थन ले सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के जरिए बीजेपी की पूरी बात आप लोगों ने, उन्होंने कहा हम सरकार बनाने जा रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं। मेरे पास पूरा एक एक सीट का आंकड़ा है, हम 240 सीटों के आसपास जीत रहे हैं। ये सब झूठे हैं, इसीलिए मैंने आज आपको भी SMS किया है कि 9 तारीख को पैसा बोलता है, 11 तारीख को काम बोले। ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी, जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी, जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब बस कुछ ही वक्त बाकी है, ऐसे में सियासी दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। यूपी चुनाव के नतीजे BSP के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि 2014 में यूपी से सूपड़ा साफ करा चुकी मायावती के लिए ये चुनाव करो या मरो वाली है, क्योंकि यूपी की हार BSP के अस्तित्व पर ही सवाल होगा। क्या यूपी में मायावती का चला जादू? कितना कामयाब रहा माया का सोशल फॉर्मूला? क्या यूपी की सत्ता में वापसी करेंगी बहन जी? क्या एग्जिट पोल के नतीजों को बदल देंगी मायावती? यूपी विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल BSP सुप्रीमो को निराश करने वाले हैं। इंडिया न्यूज MRC एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी चुनाव में BSP को इस बार 90 सीटें मिलती दिख रही। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो इस बार BSP को 25% वोट मिलते दिख रहे, लेकिन नतीजों से पहले यूपी में BSP तीसरे नंबर पर दिख रही।
यूपी का ये चुनाव माया और उनकी पार्टी का भविष्य तय करने वाला है। मायावती के लिए चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि उनके लिए दोबारा यूपी की सत्ता हासिल करने का सुनहरा मौका है, लेकिन चुनौती बड़ी है। इस चुनाव में मायावती के दलित मुस्लिम फॉर्मूले की परीक्षा भी हो रही। नजर इस बात पर भी रहेगी कि जो वोटर मायावती से दूर हो चुके हैं, क्या वो उन्हें वापस ला पाएंगी। अगर मायावती की जीत होती है तो जाहिर है कि उनका कद बढ़ेगा, लेकिन अगर हार होती है तो पार्टी के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। बीजेपी यूपी में फिलहाल सबसे आगे दिख रही, तो मायावती फैक्टर भी इसमें बड़ा कारण है। जिस दलित वोट को लेकर मायावती की पूरी राजनीति टिकी है, क्या बीजेपी उसमें सेंध लगाने में सफल रही? इस चुनाव में मायावती बिना किसी सोशल इंजीनियरिंग के उतरी थी। 2007 के चुनाव में मायावती ने ब्राह्मण और दलित जातियों के गठजोड़ को साधा था। इस समीकरण को लेकर अपने बूते बहुमत हासिल किया, लेकिन इस बार बहन जी इतिहास दोहरा पाएंगी ये बेहद मुश्किल दिख रहा। कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बता रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक से बीएसपी का सबसे अधिक नुकसान हुआ था। सपा 5 और कांग्रेस 2 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया। अब चुनाव के अंतिम नतीजे आने पर साफ होगा कि कौन यूपी का बाजीगर साबित हुआ। तो बस इंतजार करिए चंद घंटों का, जब साफ हो जाएगा कि यूपी की जनता ने किसे पहनाया जीत का ताज और किसका बजा दिया बैंड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल कई राजनीतिक दलों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जहां एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी खेमा उत्साह से लबरेज है, तो कांग्रेस और सपा गठबंधन में बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे एक बार फिर से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के भी साख का सवाल बन गया है। एग्जिट पोल ने बढ़ाई सियासी पार्टियों की धड़कनें। कहीं खुशी से चेहरे पर रौनक, तो कहीं माथे पर चिंता की लकीरें। क्या यूपी में गठबंधन का चलेगा जादू, या मोदी की लहर में चकनाचूर होगा सपना? क्या हाथी अपनी मस्त चाल से सभी को करेगा हैरान? यूपी चुनाव के नतीजे आने में बस कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन गहमा गहमी शोर शराबे ने सभी राजनीतिक सुरमाओं के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। हर दुखती हुई नब्ज को एग्जिट पोल ने और बढ़ा दिया। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव महज एक जीत और हार का विषय नहीं, 2017 के चुनाव ही कांग्रेस और राहुल गांधी का भविष्य भी तय करेंगे। पिछले काफी समय से कांग्रेस में कई नेता शीर्ष नेतृत्व के बदलाव की मांग कर चुके हैं। राहुल गांधी की ताजपोशी होते होते एक बार फिर टल चुकी है। एक दशक से लंबे समय से राजनीति में सक्रिय राहुल गांधी को लगातार उत्तर प्रदेश में मुंह की खानी पड़ी। कभी कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रहा प्रदेश एक एक करके राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े गए सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नकार चुका है। पार्टी को भरोसा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ साथ चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को अधिक सीटों को जीतने का मौका मिलेगा। इसके बाद उन्हें आसानी से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। लेकिन इंडिया न्यूज MRC एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो राहुल गांधी को इस बार भी यूपी में हार का मुंह
देखना पड़ सकता है। इसी सिलसिले में जब राहुल गांधी से मीडिया ने पूछा तो उनके मुताबिक रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। खैर, फैसला जो भी आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी को लेकर है, जिसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे। 2014 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस के वजूद के साथ राहुल की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है, क्योंकि पिछले 24 महीनों में जिस राज्य में चुनाव हुआ वहां अपने दम पर कांग्रेस ने तो लड़ा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने में जुटी रही। केंद्र की सत्ता से बाहर होने के बाद तकरीबन हर जगह कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में भी सत्ता गंवाई। पिछले 60 महीनों में कांग्रेस को 20 बार हार का मुंह देखना पड़ा। शायद इसी डर और जमीनी स्तर पर संगठन की कमजोरी ने कांग्रेस को गठबंधन करने के लिए मजबूर कर दिया। यूपी में कांग्रेस साइकिल के सहारे है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में सपा से गठबंधन करने का फैसला कितना मुफीद रहता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में दो युवा नेताओं को जनता पसंद करेगी। हो, यूपी की अब बात अलग है, इसका तो अब ढाट अलग है। हाँ, यूपी की अब बात अलग है, इसका तो अब ढाट अलग है। यूपी ने कर ली तैयारी, साथ में हम है सब पे भारी। यूपी ने कर ली तैयारी, साथ में हम है सब पे भारी। अब तो अखिलेश राहुल साथ, जे हुई ना बात भैया, जे हुई ना बात, जे हुई ना बात भैया, जे हुई ना बात। अपनी साइकिल अपना, जे हुई ना बात भैया, जे हुई ना बात। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही